नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बहुत दिनों से पेंडिंग पर हुआ था एक वीडियो, आईटीआर 1 की वीडियो विद लाइव 10E फाइलिंग की। तो दोस्तों, इसके लिए आज क्या करते हैं, एक हम लाइव आईटीआर फाइल करते हैं और उसकी 10E भी फाइल करेंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले 89 का रिलीफ जानना होता है कि 10E हम क्यों फाइल करते हैं 89 की रिलीफ काउंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10E फॉर्म फाइल करेंगे, उससे रिलीफ कैलकुलेट करेंगे और वही रिलीफ हम अपने आईटीआर 1 में डाल देंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी है, लॉगिन करनी है। हम लॉगिन कैसे करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हमें फॉर्म 10E फाइल करने के लिए ई फाइल पे आनी है। ई फाइल पे देखिए, इनकम टैक्स फॉर्म है, यहाँ पे आके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको जानी है। ठीक है, यहाँ आपको जाके यहाँ पे दिखेगी आपको न्यू फाइलिंग की, तो आपको न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। मैं आपको समझाने के पर्पज से पहले प्रीफिल कर रखा है, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे चीजें भरी जाती हैं। आप उसमें असेसमेंट ईयर नाम, सॉरी, उसमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, आगे क्लिक करेंगे तो फॉर्म 10E का जो कॉलम होगा वहां पे आप जब टैप करेंगे और ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म खुला हुआ दिखाएगा। देखिए, इस तरीके से फॉर्म फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको बिल्कुल ब्लैंक आपको खुलेगा, हालांकि यहाँ पे मैं पहले से भरा हुआ हूं तो ये चीजें दिख रही है। तो इस तरीके से आएगी फॉर्म फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89। आपको उसमें आपको क्या करना है, अगर अरियर सैलरी है तो इस पे क्लिक कर देना है, एडवांस सैलरी है तो इस पे क्लिक कर देना है, ग्रेच्युटी है, कंपनसेशन है, पेंशन कम्यूटेशन है, तो इस तीनों पे क्लिक कर देना है। किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि पेंशन कम्यूटेशन का और ग्रेच्युटी पे आप वीडियो बनाइए। देखिए, अगर अरियर ग्रेच्युटी मिली है या पेंशन कम्यूटेशन मिला है तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको भरनी, अगर आप नए हैं तो आपको चेक कर लेना है, और जहां पे भी कुछ एरर हो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो यहां से नहीं कर सकते, आपको माय प्रोफाइल सेक्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए माय प्रोफाइल सेक्शन है, यहाँ पे आपको जाके होगा। इसको सेव करने के बाद आपको ये कंप्लीट दिखाएगा, फिर आप अरियर सैलरी पे जाएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद किस तरीके से दिखेगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिये, इस तरीके से आपको ये डिटेल खुलेगी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर डालनी है, तो मान लीजिए 21-22 की तो आप फाइल कर रहे हैं, तो अगर आप 21-22 की फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 हो गई, मतलब 2020 और 21, तो आपको अगर अरियर मिला है तो इस साल से पहले कहीं तो अरियर मिला होगा, क्योंकि इस साल जो आपको अरियर मिला है वो तो आपको सैलरी में ही काउंट हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर 20-21 से पहले का प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस ईयर 19-20, 18-19, 17-18, 16-17। अब मान लीजिए आपको 19-20 का एक अरियर मिला है, मान लेते हैं मैं एक 16-17 का अरियर लेकर चलता हूँ, ठीक है, 16-17 का अरियर मिला था। टोटल इनकम मैंने पहले भी बता रखा है एक वीडियो में कि आपको अरियर फाइल करने के लिए आपको क्या क्या चीजें, जिस साल का अरियर है उस साल कितना इनकम हुआ था, कितना आपने टैक्स पे किया था और उस साल का अरियर इनकम कितना आया, ये तीन चीजों तो कम से कम होनी चाहिए। अब मानते हैं कि 16-17 में मेरी इनकम थी 5 लाख रुपए, ठीक है, ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ कैलकुलेट टैक्स कैलकुलेट होके आ गया है। अब आपको क्या करना है, इजी के लिए बता रहा हूं, ये जो कैलकुलेटेड टैक्स है ना, इस कॉलम में भर दीजिए। अब मान लीजिए कि मुझे 16-17 में 50,000 रुपए का अरियर मिला, ये मैंने 50,000 का अरियर यहां भर दिया, तो अब देखिए ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ गई। इसका मतलब अगर मेरा अरियर 50,000 का उसी साल में मिल गया होता तो मेरी इनकम 5,50,000 होती और मुझे जो टैक्स देना पड़ता वो 36,050 रुपए देना पड़ता, ना कि 20,000 रुपए देना पड़ता। तो पिछले साल की जो मेरी टैक्स जो कटी होगी इस साल में वो 16,050 कटनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कटनी चाहिए, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं और भी सारे ईयर का इसमें ऐड कर सकता हूं। ये ऐड करने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहां पे देखिए रिलीफ कैलकुलेट होके आ रही है,
और यही आपको भरने हैं आपकी फॉर्म 16 सॉरी मतलब जब आप ITR फाइल कर रहे होंगे तब। ये तो एक्चुअल डेटा है जो मैंने भर रखा है, ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए 16-17 का लिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो इस तरीके से ये अपडेट हो जाती है और इसको सेव कर लेना है आपको। सेव कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको सिर्फ फाइल ही करना पड़ेगा, उसके लिए और कुछ नहीं करना। यहाँ वेरिफिकेशन पे जानी है, वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्लिक कर देना और सेव पे क्लिक कर देना है, तो ये सेव हो जाएगी मतलब सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपको प्रोसेस बताएगा आगे सबमिट करने का वो सबमिट कर दीजिए। अब आते हैं दोस्तों कि यहां से मुझे ये कैलकुलेट हो गया कि मेरी जो 89 सेक्शन के अंडर रिलीफ है वो है 20,159 रुपए की। अब मैं क्या करूंगा, ये 20,159 रुपए सीधा मैं अंडर सेक्शन 89 जहां पे लिखा हुआ होगा वहां पे मैं सीधा फीड कर दूंगा। उसके लिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। अच्छा मैं ये फाइल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आपको लिटरली ये फाइल करना होगा तो आपको वेरिफिकेशन वाला काम आपको कर लेना होगा। जैसे मैंने ये सेव किया तो यहाँ वेरिफिकेशन पे जाके इस पे क्लिक करके आगे क्लिक करके आगे आप जब फाइल करेंगे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म 10 ही फाइल हो जाएगी। उसके बाद आपको आनी है ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे, करंट असेसमेंट ईयर, कंटिन्यू, ऑनलाइन प्रोसीड। देखिए मैंने इसको भी भर के रखा था, वैसे आप अगर नया फाइल करेंगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाना होगा, लेकिन मैंने भर के रखा था आपको समझाने के लिए, तो रिज्यूम फाइलिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, चेक करनी है, और अगर इसमें कोई इरर है तो एडिट बटन पे जाके आपको ये ठीक करनी पड़ेगी। मेरे केस में इसमें कोई भी इरर नहीं है, मैं पहले से भर रखा हूं तो मैं इसे बस कंफर्म करता हूं। दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम पे आनी है, इसमें जो सैलरी इनकम है ये सैलरी इनकम ऑटोमेटिक फॉर्म 16 से पिक कर लिया है। अगर इसमें आपको गलत लगता है तो आप एडिट पे जाइए और एडिट पे जाके वो सारी टैब चेंज कीजिए या अमाउंट चेंज कीजिए, जो भी आपको चेंज करना है। उसके बाद दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको यहाँ ऐड कर पे जाके, ऐड अनदर पे जाके आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी क्या आपके अदर इनकम। जैसे मेरे सेविंग बैंक अकाउंट से 6,875 रुपए की इंटरेस्ट है वो मैंने डाला, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड पिछले साल का इतना था ये डाला, अगर आपकी कोई फैमिली पेंशन है या इन्हांस्ड कंपनसेशन है तो उस तरीके से आपको यहाँ डालना पड़ेगा, कोई डिविडेंड इनकम है तो इसको यस करके यहाँ पे अमाउंट लिखनी पड़ेगी, अगर नो है तो नो ही है, इसको कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो यहाँ पे एड एडिट ब्रेकअप डिटेल में जाके आपको करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको फिर से ये कंफर्म करनी पड़ेगी। दोस्तों टोटल डिडक्शन पे आपको आके जो भी अगर कुछ एडिट करनी है, ये तो वैसे प्रीफिल आएगी आपकी फॉर्म 16 से, अगर नहीं तो आपको जो इसमें एडिट करनी है वो एडिट कर दीजिए। जैसे ये प्रीफिल आपको आ रही है, अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो नो पे करके आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए ATD का यहाँ पे मान लीजिए ये है, ATGG का यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं यस करेंगे और यहाँ पे आपका क्लिक हो जाएगा। ठीक है मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं, मान लीजिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसको अगर मैं नो करता हूँ तो यहाँ पे ये खुल जाएगी, यस करता हूँ तो जो पुरानी है वो आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है तो नो करके आप यहाँ पे फिर से ये भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ATD में के लिए नीचे आपको यहाँ पे देखिए ATD के लिए यहाँ जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो आप यहाँ डालिए, ATTTA का डिडक्शन यहाँ पे डालिए। उसके बाद दोस्तों ATD के लिए आपको एक और कॉलम मिलेगा, उसमें आपको ATD का डालना है। देखिए यहाँ ATC का यहाँ पे है, ATD का यहाँ कॉलम यहाँ एडिट करके आप डाल सकते हैं, अगर खुद के लिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल चेकअप लिया है तो वो, और पेरेंट्स के लिए है वो, दोनों अलग अलग होगी। तो इस तरीके से आप इसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ATTTA का तो मैंने बता दिया, ATCC2 का इस केस में है डिडक्शन तो वो हम क्लेम कर रहे हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें करके हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये तो टोटल डिडक्शन की बात होगी, टैक्स पेड यहाँ पे ऑटोमेटिक आया हुआ है, हमारा जो हमारी TDS कटी थी वो आई हुई है।
अगर आपको कोई और भी लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई आपने टैक्स पे किया है तो यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, अगर आपने पेमेंट किया होगा तो ऑलरेडी आपको फॉर्म 26S में दिख रही होगी, यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। और मान लीजिए आजकल मैं अगर पेमेंट किया है, एक दो दिन पहले पेमेंट किया है तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे सो डिटेल पे जाके आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ सो डिटेल किया, यहाँ एड अनदर, और यहाँ पे आपको डिटेल भरने, BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चलान, डेट ऑफ डिपॉजिट और कितना अमाउंट किया है। तो ये करने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करनी है। दोस्तों यहाँ पे पूरी कंप्यूटेशन होके आएगी। यहाँ देखिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89, यहाँ जो है फिल फॉर्म 10E टू क्लेम रिलीफ, यहाँ पे आपको वो वाली जो 20,159 की रिलीफ है वो यहाँ पे क्लेम कर देनी है, क्योंकि जो फॉर्म 10E हमने ऑलरेडी भरा हुआ है जिसको मुझे सबमिट कर देना है उसमें इतनी रिलीफ कैलकुलेट होके आई थी। ये रिलीफ कैलकुलेट होने के बाद ये ऑटोमेटिक देखिए बैलेंस आफ्टर रिलीफ इतना हो जाता है और ऑटोमेटिक हम रिफंड के हकदार बन जाएंगे। इस केस में अगर आपकी ज्यादा होगी तो ठीक है, नहीं ज्यादा होगी तो जितनी आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी रेस्ट वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से टैक्स लायबिलिटी कंफर्म हो गई। इसके बाद हमें प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे एलिजिबल फॉर रिफंड आ गया, अगर मैं रिफंड के लिए एलिजिबल हूँ, नहीं हूँ तो फिर जैसा है वैसा होगा। ठीक है, आपको अगर कुछ टैक्स लायबिलिटी बनती है तो यहाँ पूछेंगे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। दोस्तों इसके बाद हमें प्रीव्यू बटन पे जाना है। दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ टिक करके सेल्फ पे टिक करके हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है और आगे की जो ई वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो पूरी कर लेनी है। तो दोस्तों लगे हाथ ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस आप साथ में कर लें, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम करती है इनकम टैक्स की वेबसाइट। तो इस हिसाब से आप फॉर्म 10E और अपना ITR 1 फाइल कर सकते हैं अरियर ऑफ इनकम के केस में। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।